करौली के बाद जोधपुर में भी दंगा भड़क गया है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है। मामले में सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अगले साल चुनाव है, इसलिए लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ध्रुवीकरण की सियासत कर रही है। वहीं सीएम गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी खुद आगे आकर अपील करें ताकि ऐसी घटनाएं ना हों। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हमारे संवाददाता विशाल शर्मा ने खास बातचीत की, देखिए रिपोर्ट। करौली के बाद जोधपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़की है और इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर उनके गृहनगर को निशाना बनाया गया है। क्या लगता है इसके पीछे क्या साजिश है, इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से एक्सक्लूसिव बात करते हैं। सर, क्या लगता है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करने के मकसद से राजस्थान को जगह जगह सुलगा रही है और इस बार जोधपुर का नंबर आया? ये जोधपुर में कैसी शुरुआत हुई सबको मालूम है, वो तो तफ्तीश हो रही है, पुलिस जांच करेगी, मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में हकीकत क्या बात रही। पर जो मैंने करौली घटना के वक्त कहा था कि करौली में जो घटनाएं हुई वो एक प्रयोग इनका है, क्योंकि हमने रामनवमी आई बाद में तो राजस्थान भर में शांति रही, सद्भाव रहा, बल्कि लोगों ने फूल बरसाए, विभिन्न धर्मों के लोगों ने रामनवमी जुलूस पर। पर उसी दिन 7 राज्यों में दंगे हो गए, 7 राज्यों में। उनमें वही मॉडस ऑपरेंडी थी, वही तरीका था दंगा करवाने का जो करौली में था। उससे साफ जाहिर होता है जो हम आरोप लगा रहे हैं कि आपका एजेंडा है कि राजस्थान में शांति सद्भाव नहीं रहे, चुनाव 18 महीने बाकी, अभी तो अभी से अभी तक घबरा गए हो, उस कारण से आप ये माहौल बना रहे हो। और हर घटना हमने दंगा कहीं नहीं होने दिया, ना जोधपुर में, ना रामगढ़ में, ना करौली के अंदर। घटनाएं हुई है, कुछ दुकानें जली करौली के अंदर, एक व्यक्ति की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, दंगा भड़कने नहीं दिया। उसके बाद में ये हर घटना को लंबा खींच रहे हैं बदनाम करने की सरकार को। ये इनकी एक प्रकार से जो एजेंडा, इनको भारत सरकार में जो इनके मंत्री बने बैठे हैं या जो इनका पार्टी हाईकमांड है उनके इशारों पर ये सब चल रहे हैं। आपने जैसे ये दंगा भड़का और उसके बाद आपातकालीन बैठक भी बोला और तत्काल जो एक कमेटी थी उनको वहाँ पर जोधपुर भेजा है, खुद आप मॉनिटरिंग पूरे मामले कर रहे हैं, किस तरह अभी वहाँ के हालात हैं? अब शांति है, 100 के लगभग लोग अरेस्ट भी हुए हैं, शांति है। हमारे वहाँ पे बरसों से, सदियों से भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत रही आपस के अंदर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, कोई भी हो, और अलग तरह का शहर है वो, अलग तरह का मारवाड़ है जहाँ अपना हित भी है आपस के अंदर, रिश्ते निभाना जानते हैं आपस के अंदर भी, बाहर के कोई व्यक्ति जाते हैं उनसे अच्छे रिश्ते रखते हैं, अलग तरह का वहाँ की संस्कार, संस्कृति, परंपरा है। उस प्रदेश के उस भाग में जो मारवाड़ कहलाता है वहाँ इस प्रकार की घटना होना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और फिर ऊपर से हमारे जो मंत्री लोग बने बैठे वहाँ के, वो भड़काने का काम कर रहे हैं, धरना दे देंगे, धमकी दे रहे हैं। अरे पूछो उनको, मैं अपील कर रहा हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टी नेताओं को, अभी आप सब बातें आरोप प्रत्यारोप लगाते रहना बाद में, अभी वहाँ भाईचारा कायम कैसे हो, एक ही मकसद होना चाहिए सबका, अगर ईमानदारी आप में है तो। बेईमानी है तो आप कुछ भी कह सकते हो, भड़का सकते हो, आरोप लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये बात है। सांप्रदायिक सौहार्द राजस्थान में लगातार खराब किया जा रहा है, तो आपने पहले भी प्रधानमंत्री से भी इसको लेकर अपील की है कि आप इस मामले में पूरा अपील करें ताकि सौहार्द है जो राजस्थान का जो माना जाता है शांतिप्रिय और भाईचारे का, वो बन कायम रह सके। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी को मैंने रिक्वेस्ट करी है कि आपको आगे आके देश को, क्योंकि देश में माहौल बन गया हिंसा का, वो देश के हित में नहीं है। चुनाव में ध्रुवीकरण करते हैं वो जुदा मामला है, पर आम नागरिकों के दिल में दहशत बैठ गई है। तो प्रधानमंत्री जी अगर अपील करते हैं कि भाई मैं कंडम करता हूँ जहाँ हिंसा होगी, एंटी सोशल एलिमेंट होंगे वो हिंसा कर सकते हैं, उसका असर पड़ेगा, पर उन्होंने अभी तो करी नहीं। मैंने क्या कहा, लगभग 13 पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों ने अपील करी है प्राइम मिनिस्टर से। लोकतंत्र में अगर अपोजिशन अपील करता है, प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट करता है भाई आप अपील करो, ये भी पहली बार मैंने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर को ये अपील करने के लिए हम कह रहे हैं भाई आप अपील करो, जिससे कि देश में माहौल सुधरे, शांति का, भाईचारे का, प्यार मोहब्बत का माहौल बने। इसमें क्या ऐतराज़ हो सकता है प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री उनके कौन एडवाइजर है,
एडवाइज कर नहीं पा रहे उनको ढंग से। तो मुझे लगता है कि समय आ गया कि अभी मेरा कहना है कि देश में माहौल बहुत ही तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, इसीलिए बुलडोजर चल रहे हैं। बुलडोजर चलना किसे कहते हैं? किसी मकान पर कोई बंगले वाला है, कोई गरीब आदमी झोपड़ी है, उसके लिए बंगला वही है, झोपड़ी बंगला वही उसके लिए तो है। बंगले का उजाड़ो गरीब के बंगले को, हिम्मत है तो उजाड़ो ना आप जो इल्लीगल बड़े बड़े बंगले बना के बैठे हैं। तो ये जो हरकतें चल रही है देश में अच्छी नहीं है। सर, आपको लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दों को भाजपा भुलाकर इन जैसे छोटी छोटी घटनाओं को लेकर वो आगे आ रही है? ये तो हमारा मुख्य आरोप है। बेरोजगारी बहुत भयंकर है, विस्फोटक स्थिति है, हाहाकार हो रहा है देश के अंदर, युवाओं के अंदर। आपकी महंगाई बहुत भयंकर है, उसके बीच में आप ये उन मुद्दों को भड़काने के लिए आपने एजेंडा दे दिया पूरे देश को, राजस्थान को विशेष रूप दे दिया। राजस्थान का मेन टारगेट है बीजेपी के अध्यक्ष जी का भी और नेताओं का भी। धन्यवाद सीएम साहब। ये थे सीएम अशोक गहलोत जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से राजस्थान को सुलगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। और उन्होंने राजस्थान वासियों से अपील की है कि शांति, सौहार्द और भाईचारा कायम रहे। कैमरा सहयोगी ग्रीष के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज।